कितने बड़े फैंस हैं आप? बहुत बड़े फैंस हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार में पहली बार, या पता नहीं, मैं तो पहली बार ही किसी सेलिब्रिटी को देखूंगी बिहार में, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। जी आधा जंग जीत लिया, अभी अंदर जाके और जीतेंगे। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। कौन फेवरेट है, रश्मिका मंदाना या अल्लू अर्जुन? फर्स्ट, इसके बाद अल्लू अर्जुन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। रश्मिका क्यों अच्छी लगती है? लाइक वर्ल्ड की, लाइक हाँ क्यूट है, क्यूट है, लाइक भाभी वन है हमारी तो वो। भाभी टू नहीं है यार, वन है। भाभी कैसे? ऐसे ही लाइक उनको टैग मिल गया ना। अल्लू अर्जुन कितने अच्छे? अल्लू अर्जुन तो मेरा फेवरेट है, उनका लुक्स, उनका सब कुछ बहुत अच्छा लगता है मेरे। पुष्पा फिल्म ने दर्शकों में जो माहौल बनाया था, वही माहौल दोबारा बनाने ट्रेलर लॉन्च करने अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना पटना के गांधी मैदान पहुँच रहे हैं, और उनके कुछ फैंस हैं, चाहने वाले हैं, खूबसूरत लड़कियाँ हैं यहाँ पे। पूछेंगे कितने बड़े फैंस हैं आप? बहुत बड़े फैंस हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार में पहली बार, या पता नहीं, मैं तो पहली बार ही किसी सेलिब्रिटी को देखूंगी बिहार में, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कौन सा डायलॉग फेमस है आपका लगता है कि उस फिल्म का? पुष्पा राज झुकेगा नहीं, स्टाइल में करना होता है ना, झुकेगा नहीं साला। आपका नाम क्या हुआ? यशी। कौन फेवरेट है, रश्मिका मंदाना या अल्लू अर्जुन? फर्स्ट, इसके बाद अल्लू अर्जुन। रश्मिका क्यों अच्छी लगती है? लाइक वर्ल्ड की, लाइक हाँ क्यूट है, क्यूट है, लाइक भाभी वन है हमारी तो वो। भाभी टू नहीं है यार, वन है। भाभी कैसे? ऐसे ही लाइक उनको टैग मिल गया ना, एनिमल में। हाँ, लाइक भाभी वन, भाभी टू, तो भाभी वन। भाभी वन है वो। कोई उनका एक गाना याद हो आपको? मेरे को तो शामी शामी अच्छा लगता है, बट मेरे को रश्मिका का तीन फिल्म बता दो जो अच्छा आपको लगता है। अरे यार ये तो बहुत, सबसे पहले तो ये पुष्पा राज वन हो गया, ये टू भी हो गया, एनिमल और एनिमल, एनिमल और एक जबरदस्त पिक्चर आई थी विजय देवरकोंडा के साथ, याद आ रहा है आपको? नहीं याद है, चलो ये देखो, गीता गोविंदा, ये सही बता रहे हैं। कैसी पिक्चर लगी गीता गोविंदा? वो तो मेरे को बहुत अच्छा है। अल्लू अर्जुन कितने अच्छे? अल्लू अर्जुन तो मेरा फेवरेट है, उनका लुक्स, उनका सब कुछ बहुत अच्छा लगता है मेरे को, साउथ में तो एक और डायलॉग हो जाए, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, तीनों एक साथ। ओके ओके, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा, इंतजार कर रहे हैं कब से, पास तो मिल गया आप सबको। हाँ। तो अब 4:30 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ। चल कैसा लग रहा है? पास बढ़िया लग रहा है जी। पास मिल गया मतलब आधा जंग आप जीत लिए? जी आधा जंग जीत लिए, अभी अंदर जाके और जीतेंगे। किसके फैंस हैं आप? हम तीनों के फैन हैं। तीनों मतलब अल्लू अर्जुन हो गए, रश्मिका मंदाना, अक्षरा सिंह। अच्छा, अक्षरा सिंह के फैन है ये, अक्षरा सिंह भी आज आ रही है। चलिए तो एक डायलॉग हो जाए। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। फायर एकदम, आग लगा देंगे आज गाने में, आग लगा देंगे एकदम, लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। चलिए एक और भाई साहब हैं, किनके फैंस हैं? रश्मिका मंदाना आपको हमको लगता है कि अच्छी लगती है? हम आपके फैन हैं। अरे धन्यवाद सर, ये आप दिल जीत लिए। लेकिन अच्छा, पुष्पा टू में किनके फैन? पुष्पा टू में वो जो पुलिस वाला रहता है, क्या नाम अच्छा, उसका? जो मुसलमान है। हाँ हाँ, हम समझ गए, समझ गए। एक्टिंग के मामले में अपन की बात कर रहे हैं। जी लेकिन बात करें अल्लू अर्जुन की, तो उनके बारे में कैसी एक्टिंग लगती है? बढ़िया है, पहले हम केरला ही में रहते थे। अच्छा, केरला में रहते थे। साउथ में आता है कुछ बोलने आपको? नहीं, अब तो भूल गए हैं वो सारे। कुछ तो आता होगा, एक दो वर्ड। हाँ, हमको ये आता है कि नाम कैसे पूछा जाता है। एक होता है यान इन श्रेय कुन्नू, मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं, वो तमिल में हो गया। तमिल है वो, ठीक है, हम तमिल जानते हैं। इंदे पेरेंदा। इंदे पेरेले मतलब आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम क्या है? ठीक है। नहीं तो मतलब कि आप हमको लग रहे हैं कि एक बिगेस्ट फैन है आप, मतलब कि साउथ में रहते हैं, हम रहते हैं दुकान पे ज्यादातर। अच्छा चलिए, तो गांधी मैदान में अभी रश्मिका मंदाना, अल्लू अर्जुन पहुंच रहे हैं, साथ में अक्षरा सिंह भी पहुंच रही हैं। तमाम भीड़, तमाम लोगों की भीड़ जो होगी वो लाखों में होगी, क्योंकि जो उनके फैंस हैं, जबरा फैंस हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे और एक दीदार को पहुँचेंगे। बाकी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे गांधी मैदान से, जब अल्लू अर्जुन आएंगे और रश्मिका मंदाना आएगी तो क्या पटना का माहौल होने वाला है, एकदम गर्म माहौल होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।